नमस्कार दोस्तों, मैं निलेश आपका स्वागत करता हूँ मेरे MH स्कूल टीचर इस YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे कि अपने मोबाइल से फोटो और सिग्नेचर स्कैन कैसे करनी है। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। तो ऐसे ही टेक्निकल वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरा MH स्कूल टीचर चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब का बटन दबाकर और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाना मत भूलिए। हमेशा लोग कैम स्कैनर से या फोटो ब्लेंड या कॉलेज फोटो ऐसे ऐप से करते हैं, लेकिन आज एक आसान तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, पिक्स आर्ट। तो ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। तो सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको पिक्स आर्ट यह वर्ड टाइप करना है। जैसे ही आप पिक्स आर्ट यह वर्ड टाइप करोगे तो पिक्स आर्ट ऐप आ जाएगा। तो पिक्स आर्ट ऐप आ गया है। देखो दोस्तों, उसका सिंबल आपको देखना है। यह सिंबल वाला ऐप आपको अपने फोन में इंस्टॉल करना है। मैंने यह ऐप पहले से ही इंस्टॉल किया है, इसलिए मैं वो ऐप ओपन करूँगा। तो पिक्स आर्ट यह ऐप ओपन करने के बाद नीचे एक प्लस का साइन है, उस पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद थर्ड ऑप्शन है ड्रॉ, उस पर क्लिक करना है। तो ड्रॉ यह ऑप्शन हमें फोटो और सिग्नेचर दोनों स्कैन करने के लिए ज़रूरी है। तो हमने उस पर क्लिक किया है। तो ऊपर देखिए दोस्तों, क्रिएट न्यू, हमें न्यू एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, इसलिए क्रिएट न्यू पर ओके करना है। तो ऊपर बहुत सारे पेपर के ऑप्शन है, हमें यह प्रोजेक्ट बनाने के लिए कैसा पेपर चाहिए, ब्लैंक पेपर, वह हमें चूज करना है। तो हम पहले वाला ही चूज करेंगे। और चूज करने के बाद हमें ऊपर एक एरो बटन दिखाई देता है, उस पर क्लिक करना है। तो उस ऊपर वाले एरो पर क्लिक करने के बाद वह ब्लैंक पेपर खुल जाएगा। तो ब्लैंक पेपर खुल चुका है। अब हमें करना क्या है, तो पहले हमें फोटो हमें सेलेक्ट करनी है जो हमने कैमरे से निकाली हुई है, या फिर अपने फोन में जो फोटो है उसे हमें चूज करना है। तो नीचे टेक फोटो पर ओके करना है। तो हमें फोटो सेलेक्ट करनी है। तो कैमरा ऑप्शन में मेरी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है मुझे। कैमरा ऑप्शन में हम जो फोटो निकालते हैं वो कैमरा के होल्डर में सेव होती है। तो उसमें से हम एक फ़ोटो चूज़ करने वाले हैं एग्जांपल के तौर पर। तो मैंने यह फ़ोटो सेलेक्ट की है। तो देखिए दोस्तों, यह फ़ोटो खुलने के बाद हम उसे जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं क्रॉप करके। तो मुझे सिर्फ ऊपर पोस्ट फोटोग्राफ अपने आइडेंटिटी कार्ड साइज़ की फ़ोटो चाहिए, तो मैंने इतनी फ़ोटो क्रॉप करके सेलेक्ट की है। तो ये फ़ोटो हमें एडजस्ट करनी है, देखो उस ब्लैंक पेपर पर। और हमें इधर उधर क्लिक करना नहीं है जब तक फ़ोटो सेटिंग नहीं हो जाती, क्योंकि हम इधर उधर क्लिक करेंगे तो बाद में हम एडिट नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, हमने पेपर की साइज़ उस फ़ोटो की साइज़ उस पेपर पर एडजस्ट की है। तो अब हमें फ़ोटो एडजस्ट हो गया है, तो हमें अब सिग्नेचर ऐड करनी है। तो उस पर नीचे फ़ोटो पर क्लिक करना है, दूसरा फ़ोटो चूज़ करने के लिए। वही हम कैमरा में जाएंगे, उसमें से एक फ़ोटो चूज़ करेंगे जो हमारे सिग्नेचर वाली है, और वो हम क्रॉप करके जितना उसका पोर्शन चाहिए उतना ही हम ले लेंगे और उस फोटो के नीचे एडजस्ट कर देंगे। तो उस फोटो के नीचे हम अपनी सिग्नेचर सही तरीके से हम एडजस्ट कर रहे हैं, उसकी साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं क्रॉप करने के बाद। और सब बराबर दिखने के बाद हम बाजू में उस ऊपर के एरो पर क्लिक करना है। तो अभी एडिट इमेज पर क्लिक करना है। जैसे ही हम एडिट इमेज पर क्लिक करेंगे तो वही कागज़, वही फ़ोटो और वही सिग्नेचर दिखेगी। उसमें से टूल्स में जाना है नीचे, और पहला ये ऑप्शन क्रॉप चूज़ करना है। तो हमें अब सिर्फ फ़ोटो और सिग्नेचर का जो एरिया है उतना ही क्रॉप करके उस पेपर से लेना है, और जब सही दिखे तो राइट बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम राइट बटन पे क्लिक करेंगे, अब हमें फ़ोटो और सिग्नेचर
बहुत अच्छी तरह से मिल गई है, तो हम ऊपर के एरो पे दबाना है और नीचे सेव प्राइवेट पर क्लिक करना है। तो ये फोटो हमारी पिक्स आर्ट नाम के फोल्डर में सेव हो जाएगी। हमारे फ़ोन में पिक्स आर्ट नाम का एक फोल्डर तैयार हो जाता है, उसमें से यह फोटो निकाल के देखिए और उसकी डिटेल देखिए कितने KB की है। तो यह फोटो 50 KB की है। अगर ज़्यादा KB की हो जाएगी तो हम फोटो रिड्यूस से उसकी साइज कम कर सकते हैं। तो कैसे करनी है देखिए, तो हम वह फोटो रिड्यूस नाम का जो ऐप है उसकी सहायता से कम कर देंगे। मेरे फ़ोन में वह पहले से ही इंस्टॉल है, रिड्यूस फोटो साइज़ नाम का ऐप, उसमें से हम यह रिड्यूस करेंगे अगर वह 100 KB के आगे होती है। तो देखिए दोस्तों, ऊपर रिड्यूस नाम का एक ऑप्शन है, वह रिड्यूस नाम के ऑप्शन पर ओके करना है। ओके करने के बाद हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें से एक चुनना है ऊपर का। तो 35 KB की यह फोटो हो चुकी है और सेव एज करना है। तो सेव एज करने के बाद हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो हम इसका नाम SIGN साइन एंड फोटो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम साइन एंड फोटो की यह एक अपना फोटो और सिग्नेचर एक ही जगह पर हमने एडजस्ट कर ली है, स्कैन कर ली है, वो भी किसी भी कैम स्कैनर या फोटो ब्लेंड यह ऐप के बिना सहायता से, सिर्फ पिक्स आर्ट की सहायता से हमने यह काम किया है बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही और अधिक वीडियो चाहिए तो मेरा MH स्कूल टीचर यह चैनल सब्सक्राइब करना मत भूले। धन्यवाद।